वेलकम बैक टू द चैनल गाइज। मेरे सभी भाइयों को राम राम। उम्मीद करता हूँ सब अपने घर में अच्छे होंगे और बढ़िया से अपना निर्वाह कर रहे होंगे। काफ़ी टाइम के बाद आपका भाई जो है एक गाड़ी लेके अपने चैनल पे आया है, जो कि अपनी फैमिली की कार है, कि मारुति मॉल की नई गाड़ी है। और बहुत सारे भाइयों को पता होगा कि अर्बन क्रूज़र हम सेल कर चुके हैं, और दिन रात मेरे पास यही कमेंट आते कि आपने वो अर्बन क्रूज़र सुपर से भी ऊपर बनाई थी और बेच क्यों दी। तो भाई ऐसा है कि जीवन में परिस्थिति नाम की भी कोई चीज़ होती है। परिस्थिति कभी ऐसी होती है, कभी ऐसी होती है, कभी ऐसी होती है, तो परिस्थिति ऊपर नीचे चलती रहती है, यही जीवन का नाम है। और इसीलिए जो है वो गाड़ी जा चुकी है और ये अपनी फैमिली में आ चुकी है। उम्मीद करूँगा कि इन फ्यूचर दोबारा कोई और बड़ी गाड़ी लेंगे, लेकिन फ़िलहाल अभी अपने पास ये है और इसी से काम चलाने वाले हैं। ये भी अपने लिए बड़ी ही गाड़ी है, इसमें ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ी सी हाइट का है तो वो तो मैनेज हो जाता है, उसका कोई इशू नहीं है, क्योंकि मेनली जो मैंने अपने काम के ही पर्पस से गाड़ी ली है और कोई इसका एज सच पर्पस नहीं है। बाकी ये डेल्टा मॉडल है, बहुत सारे भाइयों को पता होगा, और बहुत सारे अपग्रेड भी इनमें कर चुका हूँ। तो आज की वीडियो इसी के ऊपर रहने वाली है कि मैं आपको बताऊँगा, मैं लगभग इसे 1500 किलोमीटर चला चुका हूँ 1.5 महीने के अंदर, और इसका कुछ रिव्यू दूंगा और आपको बताऊंगा कि किस तरीके से क्या है, कैसा है, और जो डुअल जेट का इंजन है वो किस तरीके की परफॉर्मेंस देता है। क्योंकि मेरे पास 2019 मॉडल बलेनो भी थी, जो कि मैंने 2020-21 में सेल कर दी थी, और जब हमने अर्बन क्रूज़र ली थी, तो उससे और इसमें क्या फ़र्क है। तो इसके अंदर कुछ बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जिनके बारे में आज आपसे बात करने वाले हैं। तो रिक्वेस्ट करूँगा वीडियो को अंत तक देखें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, आपका सब्सक्रिप्शन ही मेरे लिए एक मोटिवेशन है। ते हैं ये इसके अंदर मैंने अभी तक क्या क्या इंस्टॉल किया है वही मैं आपको दिखाने वाला हूँ। पहले तो ये RC हैंडल्स हैं जो कि क्रोम में आते हैं, पहले इसमें ब्लैक थे, वो मैं इंस्टॉल कर चुका हूँ। दूसरा, गाड़ी के इंटीरियर की तरफ जाएंगे तो SS डैशबोर्ड पे मैंने कुछ भी इंस्टॉल नहीं किया है, और सिर्फ ये ओरिजिनल स्टेयरिंग कवर है जो कि मारुति सुजुकी का ओरिजिनल पार्ट है। प्राइस भी मैं बताता चलूँगा मैंने क्या क्या इसके अंदर लगाया है। ये 890 रुपीज़ का है। दूसरा एक बड़ा अपग्रेड है आर्मरेस्ट, जो कि आपको नज़र आ रहा होगा, ये भी मारुति सुजुकी का ओरिजिनल पार्ट है, लगभग 3500 रुपये, और इसमें जो चार्जर लगता है वो 1300 रुपये का, 4800 के आसपास इसमें पड़ा है। दूसरा एक और मेजर चेंज किया मैंने गाड़ी के अंदर, ये है गाड़ी के सीट कवर, कुछ लुक ले सकते हैं आप। ये मेरा टॉवल है, इसको मैं हटा देता हूँ, और सीट का लुक ले सकते हैं, बहुत ही अच्छे और प्रीमियम सीट कवर हैं। ये भी ओरिजिनल नेक्सा का ही प्रोडक्ट है, ये लगभग मेरे को 8800 का पड़ा है। पीछे से भी आपको लुक दिखा देता हूँ सीट्स का। ये एक तो पहले आप मेरा इसका देख सकते हैं आर्मरेस्ट का, इसके अंदर जो नीचे चार्जर वगैरह इंस्टॉल्ड है वो सब कुछ वर्किंग है। तो प्लस ये सीट्स, बहुत ही बेहतरीन लुक है इनका, और ओरिजिनल ये फुट मैट्स, जो कि ये भी नेक्सा का ओरिजिनल प्रोडक्ट है, ये भी मैं इसके अंदर इंस्टॉल कर चुका हूँ। इसकी कीमत लगभग 3000 या 2700 रुपये के आसपास आती है। बाकी पीछे वाले दरवाजे पे भी जो है RC हैंडल इंस्टॉल हो चुके हैं। बताइएगा कुछ लुक कैसा आ रहा है गाड़ी में। बाकी ये पीछे जो होम लाइनिंग है ये भी ओरिजिनल है, गाड़ी डिलीवरी लेते वक्त ही इंस्टॉल की थी। बाकी ये साइड से कुछ लुक ले सकते हैं, गाड़ी वैसे साफ ही है, प्लस गाड़ी का लुक साइड से ले सकते हैं आप। इसमें अभी व्हील कवर ही लगे हुए हैं, अलॉय व्हील की इन प्रो अंडर प्रोसेस तो नहीं कह सकता, इन प्रोग्रेस है, देखते हैं कब तक इसमें इंस्टॉल होते हैं। बाकी 15 इंची के अपोलो के टायर इसके अंदर मिल जाते हैं हमें। बाकी फेंडर के ऊपर क्रोम भी लगा चुका हूँ, ये भी ओरिजिनल पार्ट है, आपको मैंने दिखाया होगा। और आगे से कुछ लुक ले सकते हैं, आगे से गाड़ी के अंदर जो है फॉग लैम्प, ये भी बहुत अच्छी चीज़ है। बाकी लाइट के अंदर, बाकी फ्रेंड्स लाइट के अंदर जो है एज सच मुझे कोई सेटिस्फेक्शन मिला नहीं है, तो मैं कोशिश करूँगा कि इसके अंदर ओसराम की 50 वाट की LED डालूँ 6000 केल्विन की। अभी इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न चल रहा है कि 4200 केल्विन डालूँ, 4200 या 4800 केल्विन आता है, या फिर एक 6000 आता है, इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न चल रहा है, तो देखते हैं कौन सा डालता हूँ। वैसे ज़्यादातर रिकमेंडेशन तो लोग मेरे को 6000 की कर रहे हैं, जिन भी भाइयों से बात हुई है वे कह रहे हैं कि 6000 जो है इतनी भी ज़्यादा वाइट टोन में नहीं है कि मतलब आपको रेन वगैरह में दिखे ना। तो कोशिश करूँगा कि 6000 वाली डालूँ और फिर आपको उसका आउटपुट दिखाऊँगा।
आप इसके थोड़े बहुत इंजन के बारे में बात करते हैं, थोड़ा बहुत आपको इंजन दिखाता हूँ और थोड़ा बहुत समझाने की कोशिश करता हूँ कि डुअल जेट में आखिर इन्होंने किया क्या है और पावर वगैरह को बढ़ाया, साथ में माइलेज भी गाड़ी की बहुत ज़बरदस्त हो गई है। यही एक सबसे सराहनीय चीज़ है कि गाड़ी की माइलेज ऐसी हो गई है कि मतलब यार पेट्रोल डलो, मतलब ये लगा लो आप अगर 37 लीटर पेट्रोल डलवाते हो आराम से 800-850 किलोमीटर मेरे जैसा बंदा इस गाड़ी को चला लेता है, ये सबसे बढ़िया बात है। वरना अर्बन क्रूज़र से इसका मुकाबला किया जाए, देखो अगर उसका ओल्ड वो वाला मॉडल जो हाइब्रिड वाला है उसका तो मैं वो नहीं करूँगा, लेकिन अगर जो उसका नॉर्मल मॉडल है उसमें 40-42 लीटर की टंकी में मैक्सिमम गाड़ी 650-700 मैं चला पाता था, इसमें मैं 800 प्लस चला रहा हूँ। बट हाँ, दोनों गाड़ियों का फील में बहुत ज़्यादा अंतर है, तो उसमें आप कंफ्यूज़ ना होएं, हर किसी की रिक्वायरमेंट अलग होती है, तो उस रिक्वायरमेंट से आप गाड़ी को ज़रूर चुनें। बलेनो बलेनो है और अर्बन क्रूज़र अर्बन क्रूज़र है। इंजन है, सबसे बढ़िया बात मारुति की ये लगी कि भाई पहली बात तो इतना हिस्सा ही गाड़ी का आगे का ख़त्म कर दिए, यहीं पे आपको फेंडर लाइनिंग नज़र आ रही है, तो सेफ्टी में तो अपने हाथ में इस गाड़ी की सेफ्टी, एज सच मैं इसे बहुत ज़्यादा सेफेस्ट कार नहीं कह सकता हूँ। दूसरी चीज़ है, बाकी ये अपने अपने डिज़ाइन के ऊपर है, कंपनी का कुछ इस टाइप का डिज़ाइन है आप देख सकते हैं, बाकी सेफ्टी के ऊपर हम कोई बात नहीं करेंगे क्योंकि बहुत सारे लोग इसको टीन का डिब्बा भी बोलते हैं, तो भाई जो जिसे बोलना है बोलते रहो, हमारा जो मेन पर्पस है जिसके लिए गाड़ी ली गई है उसे गाड़ी ये फुलफिल कर रही है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ इस गाड़ी के अंदर जो है ये मिल जाती है कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है हाइड्रोलिक क्लच मिलता है। अब इसमें मैकेनिकल क्लच जो है अपना वायर ऑपरेटेड नहीं है, वो अपना इससे ऑपरेटेड है ब्रेक फ्लूइड से। तो सबसे बड़ा जो मेरे को ये चीज़ अच्छी लगी, इसके अंदर हाइड्रोलिक क्लच आ गया, प्लस फिर बैरिंग भी आपका हाइड्रोलिक ही है, जो क्लच का बैरिंग है वो दूसरी बड़ी चीज़ है। तीसरी चीज़ ये देख सकते हैं पेट्रोल के मैनेजमेंट के लिए कितने सारे वॉल्व वगैरह दिए हुए हैं यहाँ पर, जिससे गाड़ी को ये बहुत ज़्यादा एफिशिएंट बनाते। प्लस इसके अंदर आपको जो है अपना इंजेक्टर्स हैं वो भी पर सिलेंडर पे दो मिल जाते हैं, तो टोटल 2, 4, 6, 8 इसके अंदर आपको इंजेक्टर मिलेंगे। ये गाड़ी का कुछ लुक है इंजन का, इंजन बे काफ़ी ज़्यादा क्लीन है, बहुत ज़्यादा नीट रखने की कोशिश की है, फिर भी अगर हुंडई की कार से कंपेयर करें तो नहीं है क्योंकि उनका सब कुछ कवर्ड रहता है, इसमें जो है कवर्ड नहीं है, मैक्सिमम चीज़ें ओपन ओपन टाइप्स हैं, लेकिन फिर भी शुरू से अगर सुजुकी को देखें तो उसके हिसाब से बहुत ज़्यादा चेंज सुजुकी कर चुकी है। यहाँ पे एक प्रोटेक्शन कवर भी नीचे दिया हुआ है जिसके अंदर इंसुलेशन भी है, बहुत अच्छी चीज़ है, गाड़ी की बिल्कुल आवाज़ इंजन की साउंड आपके कैबिन में आने नहीं वाली है। कुछ एक्सेसरीज़ और हैं, पहले तो मैं बूट में दिखा देता हूँ, ये मेरा वही पुराना कपड़ा जो कि मैं अपनी अर्बन क्रूज़र में इस्तेमाल किया करता था, बाकी बूट लाइट तो इसमें मेरे को लगी लगाई मिली है इस मॉडल में, और मैंने पीछे एक, हाँ ये आप देख सकते हैं ये एक ओरिजिनल मैट है, ये लगभग 1200 से 1400 के आसपास का, ये 1200-1300 के आसपास का ये आपको मिल जाता है। प्लस साइड में जो है अभी ये वाली जो क्रोम की पट्टी होती है वो अवेटेड है, वो अभी नहीं लगवाई है। प्लस ये रेन वॉइज़र, डोर वॉइज़र, कुछ भी आप इन्हें कह लो, ये जो है गैलियो का प्रोडक्ट है, ये मैंने कंपनी से नहीं लिया क्योंकि गैलियो वाला भी मेरा दोस्त है, तो मेरे को ये बहुत ही ज़्यादा सस्ते रेटों में मिल गया था। अगर आपको चाहिए हो 950 रुपये में, 1500 रुपये प्रिंट है, 950 में चाहिए हो किसी भी गाड़ी का मतलब, तो आप मेरे से कॉन्टेक्ट कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं दे दूँगा गैलियो। ये कुछ एक्सेसरीज़ हैं जो कि मैं इस गाड़ी में लगा चुका हूँ। अब इसके बारे में थोड़ी सी हील होल्ड वगैरह के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि इसका बहुत अच्छा फीचर है, बहुत ही अच्छा फीचर है हील होल्ड, जो भी नए ड्राइवर हैं उनके लिए जो है बहुत ही वरदान साबित होगा। जबकि मैंने ये गाड़ी ली थी तो मुझे इतना मालूम नहीं था, लेकिन धीरे धीरे पता चला कि इसमें हील होल्ड का फीचर आता है क्योंकि ऑटोमेटिक ट्रैक्शन कंट्रोल इस गाड़ी में, गर्मी बहुत ज़्यादा है, आप कुछ वॉक अराउंड ले सकते हैं दरवाजे वगैरह खोल के। तो यार टू बी वेरी फ्रेंक, कोई गाड़ी इतनी छोटी गाड़ी नहीं है, लगभग 4 मीटर लंबी गाड़ी है और आराम से इसके अंदर 5 जने बैठ के एक लंबे सफ़र पे, जो कि लगभग 2 से 3 हज़ार किलोमीटर भी हो सकता है, उस पर जा सकते हैं। ये कुछ अपनी बलेनो है जो कि अपनी फैमिली में आ चुकी है, देख सकते हैं कंप्लीट इसका वॉक अराउंड दे दिया है, जो भी मॉडिफिकेशंस करवाई हैं वो सब आपको दे दिए राइट टू लेफ़्ट। थोड़ी बहुत इंजन की बातें करेंगे,
और इस वीडियो को समअप करेंगे। बाकी इसके ऊपर, सस्पेंशन के ऊपर या किसी भी चीज़ के ऊपर आप जो भी इंफॉर्मेटिव वीडियो देखना चाहते हैं प्लीज़ मुझे कमेंट कर दें ताकि मैं आपको दिखा सकूं और बता सकूं। और जो कि मैंने इसके अंदर अपग्रेड की है और हर बंदा मेरे से पूछ रहा है वो है रिवर्स गियर की लाइट। मुझे नहीं पता वीडियो में आपको लोगों को कैसी दिख रही है, पर गॉड प्रॉमिस अगर रियलिटी में देखोगे ना तो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। पूरा एक एक रिफ्लेक्टर शाइन कर रहा है। क्लोज से लुक दिखा देता हूँ आपको, ये देख सकते हैं। ये मैंने फ्रॉन्क्स का इंस्टॉल किया है इसके अंदर। बाकी नीचे नंबर प्लेट की लाइट जो है वो मैंने ओसाराम की इंस्टॉल किया, वो तो शायद मे भी रील में डाल दी होगी। ये एक बहुत ही प्यारा अपग्रेड है जो मैंने अब तक किया है। ये जो है मैंने इसके अंदर ओसाराम की LED वगैरह भी इंस्टॉल की है। मैंने वीडियो में दिखाया होगा पर मैं आज आपको पूरी गाड़ी दिखा रहा हूँ तो बता रहा हूँ। ये भी इसके अंदर इंस्टॉल हो चुका है, बहुत अच्छा एल्यूमिनेंस है इनका। प्लस पीछे जो है ये वाला मैंने इंस्टॉल किया है, फिलिप्स का है। बिल्कुल भी छपरी मोड ऑन नहीं लगता, चाइनीज़ नहीं है, प्योर ओरिजिनल है और बहुत ही ज़्यादा डिसेंट लाइट देता है गाड़ी के अंदर। ये कुछ गाड़ी का कंप्लीट लुक आप ले सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन जिसे कहते हैं ना लाइट का एल्यूमिनेंस है इसका। इस गाड़ी के अंदर आ चुके हैं, गर्मी बहुत ज़्यादा है, बारिश वगैरह का यहाँ कोई इतना खास नाम नहीं है। टी शर्ट देख सकते हैं बहुत ज़्यादा गंदी हो गई है, और गंदी इन सेंस यार पसीने पसीने हो गई है तो मेरी नज़र में गंदी ही है। अब मैं गाड़ी के बारे में इन ब्रीफ बहुत छोटा बता दूंगा, ज़्यादा कुछ नहीं बताऊंगा क्योंकि ये कोई डिटेल्ड वीडियो नहीं है, ये एक फ़र्स्ट वीडियो है इस गाड़ी को लेने के बाद जो मैं 1400-1500 किलोमीटर में जो मैं रियलाइज़ कर रहा हूँ वो इसके बारे में बताऊंगा। नंबर वन गाड़ी के अंदर जो है स्टेबिलिटी प्रोग्राम होने की वजह से इस गाड़ी की जो स्टेबिलिटी है काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, नो डाउट। अर्लियर जो बलेनो थी उसके अंदर इन चीज़ों की दिक्कत थी। नंबर टू, स्टेयरिंग का फीडबैक बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त हो गया है, पहले जो है रिस्पॉन्सिव नहीं था ना स्टेयरिंग, जो कि 2018-19 में मॉडल आया करते थे बट वो भी BS6 था, बट ये वर्जन BS6 वर्जन 2 है शायद, तो इसलिए जो मतलब अपलिफ्टेड वर्जन है, जो फेस लिफ्टेड है और इंजन भी चेंज किया गया था, ये उसके बाद का वर्जन है, 2024 का मॉडल है जून का। तो ये लगा लो कि ये दो गाड़ी के अंदर मेजर चेंजेस हुए हैं। बाकी तीसरी बड़ी चेंज जो गाड़ी के अंदर हुई है वो है, दिखाता हूँ आपको, ये गाड़ी के डैशबोर्ड की क्वालिटी वगैरह देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं ना अच्छी हो गई है। सॉफ्ट प्लास्टिक तो नहीं है बट लेकिन पहले के मुकाबले जो है बलेनो का जो इंटीरियर था वो जो है ऐसे दबाने पर दब जाया करता था पर वो अब नहीं दबता है। दूसरा, डेल्टा मॉडल के अंदर ही आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाता है, मारुति स्मार्ट प्ले स्टूडियो। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर बेस मॉडल से ही ऐसा वाला मिलता है जिसके अंदर मैक्सिमम सारी इन्फॉर्मेशन होती हैं। अभी मेरी गाड़ी जो है स्टार्ट खड़ी हुई है तो ये 4.1 हो गया, वरना अभी मैं जो वृंदावन जस्ट पीछे होके आया हूँ तो ये 3.9 पे आ गया था पर 100 किलोमीटर में। तो ये कुछ मेजर चेंजेस हैं जो कि गाड़ी में किए हैं। बाकी सीट वगैरह के जो बोलस्टर वगैरह हैं वो आप देख सकते हैं, पहले के मुकाबले बहुत ज़्यादा बढ़िया कर दिए गए हैं। सिटिंग कंफर्टेबल, कंफर्ट गाड़ी का बहुत बढ़ गया है, देख सकते हैं। बाकी हेडरेस्ट वगैरह वही पुरानी शेप के हैं। पीछे आपको 3 पॉइंट सीट बेल्ट मिल जाएंगी, लैप वाली सीट बेल्ट नहीं है, तीनों ही 3 पॉइंट सीट बेल्ट हैं। प्लस एक सेंटर पैसेंजर के लिए जो है सेंटर हेडरेस्ट भी मिलता है, ये एक सेफ्टी पॉइंट है और बहुत ही बढ़िया और ज़बरदस्त फीचर कंपनी ने इसमें इंट्रोड्यूस किया है। अब इसके अंदर जो एक चीज़ रह गई जो कि कुछ भाइयों को खल भी सकते हैं वो एक रियर वाइपर जो कि अपने हाथ में है। अभी तक गाड़ी को आए हुए 1.5 महीना हुआ है और एज सच गाड़ी के अंदर कोई भी ऐसा काम नहीं करवाया जिसे आफ्टर मार्केट कह सके, तो वो मैंने नहीं करवाया इसके अंदर कोई भी आफ्टर मार्केट। तो ये लगा लो वो वाइपर अपने हाथ में जब चाहेंगे इंस्टॉल कर लेंगे, लगभग 15-16 हज़ार रुपये का उसमें खर्चा आएगा। अगर मैं खुद से अपना ही करने लग गया तो मैं उससे आधे रेट में करने की कोशिश करूँगा, और जो भी जितना भी होगा अर्बन क्रूज़र में भी मैंने इंस्टॉल किया था, आपको सब कुछ दिखाया था, अब ऐसे ही मैं अगर इसमें भी करने लगा तो आपको ज़रूर दिखाऊंगा। तो
ये तो हो गई एक रियर वाइपर की, इसमें कमी लग सकती है। दूसरी है अलॉय व्हील, वो भी हर जो भी बंदा इसे परचेस कर रहा है उसी के हाथ में है। 17 इंची पे जाना चाहे तो फिर आपको टायर भी चेंज करने पड़ेंगे, वरना अगर आपको नॉर्मल अलॉय व्हील चाहिए जो कि इसी टायर में लग जाए तो वो भी MGP में अवेलेबल है। लगभग 8 से 9 हज़ार रुपये का पर पीस है। देखते हैं हमें मैक्सिमम कितना डिस्काउंट मिल के वो लगा पाते हैं हम, और उसमें थोड़ा मे भी टाइम लग सकता है। लेकिन एक मस्ट नीडेड अपग्रेड जो इस गाड़ी में होने वाला है वो अभी है LED का, जो कि ओसाराम के होने वाली है, क्योंकि इसकी जो ब्राइटनेस है सिंगल रोड पे, मतलब वन वे हाईवे पे जहाँ पे वन वे ट्रैफिक रहता है वहाँ पे कम है, और मेरा मैक्सिमम वन वे पे ही ज़्यादा चलना है, स्टेट हाईवे पे ज़्यादा चलना है, तो इसलिए मेरे को वो उसमें अपग्रेड ये करना ही पड़ेगा। तो ये कुछ फीचर्स थे जो बलेनो में अपग्रेड हुए हैं। बाकी एस सच गियर बॉक्स है उसके अंदर, मैं आपको इतना कुछ डीपली नहीं समझा सकता हूँ, क्योंकि जो लेमैन भाषा में अपन आज बात कर रहे हैं, अगर टेक्निकल में बात करेंगे तो बताऊंगा। गियर बॉक्स के अंदर भी काफ़ी चेंजेस हैं, बहुत ज़्यादा स्मूथ और बहुत ज़्यादा रिफाइंड गियर बॉक्स हो गया है। ब्रेक्स के अंदर मैंने ऐसा सच कुछ नहीं नोटिस किया, ब्रेक्स सारी मारुति के एक जैसे ही हैं, अच्छे ब्रेक्स होते हैं, बहुत अच्छी ग्रिप है गाड़ी की। ABS अभी तक मैंने इसमें किक इन नहीं करके देखा, क्योंकि गाड़ी मैक्सिमम 80 से ऊपर मैंने चलाई नहीं है। तो लगभग ये एक मेरा जो 1-1.5 महीने का अपनी गाड़ी से बिहेव रहा है, वो मैं आज आपके लिए पूरा एक वीडियो में ला चुका हूँ। कोशिश करूँगा एक हफ्ते के अंदर 2 से 3 वीडियो लेके आ चुकूँ, क्योंकि जो चैनल की मोनेटाइजेशन है, पता नहीं किस भाई ने अपनी कुंदक निकाली है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ मुझे नहीं पता यार, किसी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन जिसने किया है उसको मालूम है, उसने मेरी मोनेटाइजेशन किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर जो वीडियोस बन रहे थे उसके ऊपर, वीडियोस या रील्स उसके ऊपर उठा के शायद मेरे चैनल की मोनेटाइजेशन को रुकवाया। और इन फ्यूचर बहुत जल्दी चालू हो जाएगी, हम अपने $200 के लगभग करीब थे जो मेरा मिनिमम मैंने थ्रेशोल्ड किया हुआ था और वो मुझे मिलने वाला था, बट वो 0.12 से अभी रुका पड़ा है। तो मैं उम्मीद करूँगा कि मेरा जल्द से जल्द जो है पूरा हो जाए और मेरे को यहाँ से पैसे मिले तो इसके अलॉय व्हील वगैरह कुछ भी लगवाए जा सके। लेकिन मे भी इसमें कितना टाइम लग जाए मुझे नहीं पता, क्योंकि एज सच अभी व्यूज़ वगैरह नहीं आ रहे, चैनल एकदम डेड पोजिशन में ही आ चुका है, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से आप लोगों के लिए कोई एज सच कंटेंट लेके नहीं आ पा रहा था। और आपको पता ही है कि ये ऑटोमोबाइल से रिलेटेड चैनल है, तो उसी के कंटेंट जितने ज़्यादा आएंगे उतने ही ज़्यादा लोग मेरे भाई देखना पसंद करेंगे। तो ये था बस, इस वीडियो को काफ़ी लंबा हो गया मेरे को लग रहा है, तो इसको शॉर्ट में रखता हूँ और अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। जल्दी इसके सस्पेंशन के ऊपर और कोई भी टॉपिक आप मुझे सजेस्ट करिए कमेंट्स में, तो मैं आप लोगों के लिए लेके आता हूँ। बट मैं जो नेक्स्ट वीडियो इसके सस्पेंशन और टायर सेटअप के ऊपर लाऊंगा, फिर केयर मेंटेनेंस के ऊपर भी कुछ ना कुछ वीडियो आप लोगों के लिए लाते रहेंगे। वीडियो में आप लोगों से दोबारा मिलता हूँ, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, मेरे सभी भाइयों को राम राम।